आज हम सीखने वाले हैं डिस्पिल कैसे करते हैं न्यूक के अंदर। उससे पहले मैं आपको एक नोट दिखाना चाहता हूं, जो कि है डिस्पिल टू कलर। ये काम क्या करता है, ये आपका क्रोमा को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद आप पीछे कोई भी कलर चाहते हो उसको सिलेक्ट कीजिए, वो आपके बैकग्राउंड में आ जाएगा। इससे होगा क्या, जिस कलर का आपका बैकग्राउंड होगा उसी कलर को आप पीछे सेलेक्ट करके यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे आपके एडिट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसको हम अपने न्यूक के नोट से कैसे बनाते हैं, वही आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लेना है की लाइट। की लाइट की हेल्प से आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक सैंपल लेना है, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको मर्ज लेना है, मर्ज में आपको ए यहाँ जोड़ना है, बी यहाँ जोड़ना है। मर्ज की ऑपरेशन में आपको माइनस कर देना है। इससे होगा क्या, हमारा ये ग्रीन कलर से ये चीज़ यहाँ पे हट जाएगी और हमारे पास सिर्फ ये ग्रीन कलर रह जाएगा, ठीक है। और इस ग्रीन कलर को हम क्या करेंगे, सैचुरेशन की हेल्प से डाउन कर देंगे। इससे होगा क्या, हमारे पास ल्यूमिनस वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। उस वैल्यू को हम दोबारा से अपनी फुटेज में ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम इसे प्लस कर देंगे, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में हमने गिज़्मो देखा था जिसमें हम कलर चेंज कर पा रहे थे, वो चीज़ को भी करना सीखते हैं। उसे करने के लिए आपको करना क्या है, आप क्या करें, एक कांस्टेंट लें यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपका की लाइट निकला है उसको कंट्रोल से पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर दे, जिससे होगा क्या कि आपकी यहाँ की वैल्यू यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। आप देख पाएंगे कि सेम वैल्यू है यहाँ पे। इससे होगा क्या, ये आपका इस चीज़ से लिंक हो गया है, ठीक। और ये जो सैचुरेशन है, यहाँ पे मैं ऑल्ट प्लस के को प्रेस करता हूँ तो ये क्या करेगा, इस नोड का यहाँ पे क्लोन बना देगा और इसे हम इसके नीचे रख देते हैं, ठीक है। इतना काम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें कोई भी कलर हमें पीछे चाहिए, उसके लिए हमने अलग से एक कॉन्स्टेंट लिया है। अभी जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कलर। आपको अब क्या करना है, यहाँ पे एक मर्ज लेंगे, मर्ज को हम क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे इसे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे एक और मर्ज लेके हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। कुछ ऐसा कर देंगे और यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आपके पास ये कलर यहाँ पे आ जाने वाला है और उसके बाद यहाँ पे ये प्लस होके यहाँ पे आ जाने वाला है, ठीक है। तो अभी अगर हमें कोई भी कलर चेंज करना है तो इस कॉन्स्टेंट पे जाके हम किसी भी कलर को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज होके मिल जाने वाला है, जो कि हमने उस गिज़्मो में देखा था। आपको कोई भी कलर चाहिए तो आप उस कलर में यहाँ पे इसे चेंज कर पाएंगे इजली, और आप यहाँ से भी इसे चेंज कर पाएंगे। एक बार हम यहाँ पे रिविज़न कर लेते हैं हमने किया क्या है। हमने की लाइट लिया, की लाइट को हमने यहाँ से माइनस किया। माइनस करने के बाद हमने उसकी सैचुरेशन डाउन करी। हमने कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट को हमने इससे की लाइट से लिंक कर दिया और उसका भी हमने सैचुरेशन डाउन कर दिया, जो कि ये और ये सेम था यहाँ पे, ठीक। उसके बाद जैसा कलर हमें पीछे चाहिए उसके लिए हमने कांस्टेंट लिया, हमने इससे इसे डिवाइड किया, हमें ऐसा कुछ मिला, और हमने यहाँ पर इसे दोबारा से मल्टीप्लाई कर दिया इस फुटेज के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास ये हैंडल यहाँ पे हमें मिल गया कि हम आराम से यहाँ पे कलर चेंज कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं, धन्यवाद।